الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई इज़्ज़ोजा शानो शौकत उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ज़ेबा हैं जो सारी कायनात का खालिक मालिक पालनहार और सब का राज़िक व हाकिम है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के उन नबियों पर जिन्हें नबूवत और रिसालत के लिए चुना गया, ख़ास तौर पर आखिरुज़्ज़मा हबीबुल बशर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। हाज़िरीन जुमा इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और इस्लामी माओं और बहनों, मेरे अजीज़ों, माह रमज़ान की आमद होने वाली है। रमज़ान का महीना आने वाला है और रमज़ान के महीने में इंशाअल्लाह हम कदम रखने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को रमज़ान का महीना नसीब फरमाए, आमीन। हर कोई मुसलमान रमज़ान की आमद पर खुशी महसूस कर रहा है। रमज़ान का महीना ये वो महीना है जिसका इंतज़ार एक मोमिन साल भर करता है। एक साल के बाद रमज़ान का महीना नसीब होता है, क्योंकि रमज़ान का महीना
ये नेकी का महीना है, बरकत का महीना है, बख्शिश का महीना है, इबादत का महीना है, ज़ुहद व तक़वे का महीना है, सदका और खैरात का महीना है, जन्नत की बशारत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। और रमज़ान का महीना एक महीने के लिए सारे मुवहिदीन मोमिनीन के पास मेहमान बनकर आ रहा है। आप जानते हैं कि मेहमान अगर कोई आता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। आदमी इस्तकबाल किसका करता है? आदमी इस्तकबाल आने वाले का करता है। आने वाला मकाम व मर्तबे के एतबार से, फजीलत और अहमियत के एतबार से जितना अहम होता है उसका इस्तकबाल भी उतना ही अहम और खुसूसी होता है। मिसाल के तौर पर आने वाला हमारे घर पर कोई आम आदमी है, हम घर पर बाखबर कर देते हैं, इतला कर देते हैं कि फलां आने वाला है, दरवाजे पर दस्तक देगा तो खोल दीजिएगा। आने वाला आम है तो उसका इस्तकबाल इस तरह होता है। अगर आने वाला आपका अजीज है, आने वाला आपका दोस्त है, जिगरी दोस्त है, आप घर पर बाखबर कर देते हैं कि आने वाला मेरा दोस्त है, उसकी खातिर व तवाज़ो की जाए, अच्छा से अच्छा इंतज़ाम किया जाए। इससे भी आगे बढ़कर आने वाला अगर आपका ख़ास है, आने वाले को आपके घर की सख्त ज़रूरत है, आपके घर को इतनी सख्त ज़रूरत है जैसे समझ लीजिए कोई शादी का पैगाम आपके घर पर ला रहा है, कोई रिश्ता लेकर आपके घर पर पहुंचने वाला है, तो उसका इस्तकबाल कैसे किया जाता है? बड़े शानदार तरीके से किया जाता है। मेहमान नवाजी में किसी भी किस्म की कमी ना हो, आदमी अपनी सारी मेहनतों और कोशिशों को एकजुट कर देता है और सारी कोशिशें लगा देता है। और इससे भी आगे बढ़कर आने वाला अगर आपके घर पर कोई ऐसा आदमी है जो आपकी नौकरी की वैकेंसी खुशखबरी लेकर आने वाला है, ज़रा सोचें उसका इस्तकबाल कैसे करेंगे आप? ज़बरदस्त उसका इस्तकबाल होगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारे तरफ, हम मोमिनों की तरफ, हम मुसलमानों की तरफ, हम मुवहिदों की तरफ जो आने वाला मेहमान है वो रमज़ान का महीना है। ये रमज़ान का महीना जिसकी उस वक्त चलेगी जहाँ पर किसी की नहीं चलेगी। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी हैरान और परेशान होगा, पसीने में शराब और होगा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूलु सौइम, उस वक्त किसी का वसीला, किसी का वास्ता काम नहीं आएगा, ना बाप काम आएगा, ना खानदान काम आएंगे, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना अजीज़ो अकारिब काम आएंगे। ऐसे वक्त में रोज़ा कहेगा, यकूलु सौइम, अल्लाह से रोज़ा कहेगा, ऐ अल्लाह मैंने इस बंदे को खाने पीने से रोक रखा, ऐ अल्लाह ये तेरे खातिर रोजा कहेगा, ये रमजान का महीना कहेगा, ऐ अल्लाह तेरे खातिर इसने खाने को छोड़ा, पीने को छोड़ा, ऐ अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश करता हूं, शफाअत करता हूं, तू मेरी शफाअत को कबूल फरमा ले। एक तरफ रोजा सिफारिश करेगा तो दूसरी तरफ आता है कि कुरान मजीद भी खड़ा हो जाएगा और अल्लाह से दरख्वास्त करेगा मनातुहुन नौमा बिल्लैल,
अल्लाह इस बंदे को मैंने रात में सोने से रोके रखा, मेरे खातिर ये रात जागता रहा, रात जाकर तिलावत करता रहा, दरसे कुरान सुनता रहा, कुरान मजीद पढ़ता रहा, कुरान मजीद पढ़ाता रहा, कुरान मजीद सिखाता रहा, कुरान मजीद सीखता रहा। अल्लाह से कुरान मजीद कहेगा फशफ़िअनी, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ले। मेरे अजीजों, रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें? सबसे पहले साल भर हमसे जितने भी गुनाह हुए हैं उन गुनाहों से सच्ची तौबा करें, ये रमज़ान का इस्तक़बाल है। जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला से अपने दुआओं में ये दुआ शामिल करें, कहें अल्लाह साल भर फला फला गुनाह हुए हैं, बहुत से गुनाह हुए हैं, सच्ची तौबा मैं तेरे दरबार में करता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। रमज़ान का इस्तक़बाल ये है कि रमज़ान का महीना आने से पहले हम अपनी नीयतों को खालिस कर लें। क्यों? इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादतें हैं उन सारी इबादतों का दारोमदार नीयतों के खुलूस होने पर है। नीयतें अगर खालिस हैं हमारी इबादतें कबूल हैं, अगर नीयतों में खोट है हमारी इबादतें अकारत और ज़ाये हो जाएंगी। मेरे अजीजों, कुरान मजीद ने फरमाया कि वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। रमज़ान आने से पहले रमज़ान का इस्तक़बाल ये है कि हम अपने दिलों को साफ कर लें। दिलों की जो बीमारियां हैं हमारे दिल को उन बीमारियों से साफ कर दें। कीना है, कपट है, हसद है, बुग्ज है, इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियां जो दिलों में पनपती हैं उन अमराज से, उन बीमारियों से अपने दिलों को साफ कर ले। क्यों? रमज़ान से पहले अपने दिलों की सफाई बहुत ज़रूरी है, दिलों का साफ़ होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً, याद रखो जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है। नबी ने फरमाया इदा सलहत सलहल जसद कुल्लू, अगर वो गोश्त का टुकड़ा सुधर जाए जिस्म के सारे आज़ा सुधर जाते हैं। वइदा फसदत फसदल जसद कुल्लू, अगर वो गोश्त का टुकड़ा खराब हो गया जिस्म के सारे आज़ा खराब हो जाते हैं। अला वहुवल कल्ब, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? दिल है। दिलों को साफ कर लो। रमज़ान का इस्तक़बाल ये है कि रमज़ान के महीने को हम नेमत समझें। ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला की नेमत समझें, एहसान समझें। पिछले रमज़ान कितने लोग हमारे दरमियान थे, पिछले रमज़ान कितने लोगों ने हमारे साथ सहरी खाई, इफ्तारी की, रमज़ान का महीना गुजारा, तरावे के साथ कंधे से कंधा लगाकर नमाजें पढ़ी, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। इसलिए रमज़ान के महीने को नेमत समझें। और रमज़ान में सबसे अजीम अमल, सबसे बड़ी इबादत अगर वो है तो वो रोज़ा है। मेरे अजीज़ों, बग़ैर किसी उज़ुर के, बग़ैर किसी सबब के रोज़े को ना छोड़ें। इस मर्तबा रमज़ान का महीना बड़ी सख्त धूप के अंदर आ रहा है, शदीद गर्मी में आ रहा है, तकलीफ़ें होंगी, मुश्किलें आएंगी, बर्दाश्त कीजिए और रोज़े को रखिए। सख्त गर्मी का बहाना बनाकर रोज़े को तर्क मत कीजिए, रोज़े से दूरी मत इख्तियार कीजिए,
रोज़े को रखने की कोशिश कीजिए। मैं अपने गांव के लिए खुसूसी तौर पर ये नसीहत करना चाहूँगा, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, खाते पीते हैं, सेहतमंद हैं, इसके बावजूद भी वो रोज़ा नहीं रखते हैं। पूछने पर कहा जाता है, बतलाया जाता है कि हमें आदत नहीं है, रखने की आदत नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, ये उज़्र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अब तक जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन इस रमज़ान के लिए अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा कर लीजिए कि इस साल रमज़ान के मैं पूरे रोज़े रखूँगा, बग़ैर किसी उज़्र के मुझसे रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा। ये मज़बूत इरादा कर लीजिए, क्योंकि मेरे अजीज़ों, रोज़े की बड़ी फजीलत हदीस के अंदर आई है। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने के ताल्लुक से फरमाया, रमज़ान में की जाने वाली नेकी का बदला, एक नेकी का बदला 10 से लेकर 700, 700 से लेकर बेहिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं। ये रमज़ान की खसूसियत है, इसके अलावा किसी और महीने में ये मकाम और ये नेकी का मकाम नहीं दिया जाता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े के ताल्लुक से, अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसका बदला दूंगा। क्या मतलब है? हर इबादत अल्लाह ही की है, नमाज अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला दूंगा। क्योंकि मेरे अजीज़ो, दुनिया की जितनी भी इबादतें हैं, उनमें उन इबादतों के अंजाम देने में किसी ना किसी की नज़र हम पर पड़ती है। नमाज पढ़ रहे हैं आप, घर में पढ़ो, कहीं पढ़ो, किसी ना किसी को मालूम हो जाएगा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। हज कर रहे हैं तो सारे मजमूए में आप करते हैं। ज़कात दे रहे हैं तो एक देने वाला है, एक लेने वाला है, किसी को भी मालूम हो जाएगा। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, बंदे और उसके दरमियान का ताल्लुक है, बंदे को मालूम है, अल्लाह को मालूम है कि बंदा वो सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है। उसका नफ्स चाहता है कि खाएँ, उसका नफ्स चाहता है कि पिए, उसका नफ्स चाहता है कि गलत काम करे, लेकिन ये रोज़ा उसे इन सारे चीज़ों से मना कर देता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला दूंगा। तो आप याद रख लें, अंदाज़ा लगा लें कि रोज़े का अजर क्या होगा, रोज़े का सवाब क्या होगा। मेरे भाई, जो लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने यहाँ रोज़ेदारों के लिए एक अलग सा दरवाज़ा बनाया है, जिसका नाम है बाबुर रैयान। बहुत से दरवाज़े हैं, बाबुल जिहाद है, बाबुल सदका है, हर एक नेकी करने वाले के अलग 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 दरवाज़े हैं। जिहाद करने वालों का एक दरवाज़ा है, सदका करने वालों के लिए एक दरवाज़ा, रोज़ा रखने वालों के लिए एक दरवाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा जिसे हर दरवाज़े से दाखिले का शर्फ हासिल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, जो हर दरवाज़े से दाखिल होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान वहतिसाब गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, जिसने रोज़ा रखा, शर्त क्या है? मुशरिक ना हो। पहली शर्त क्या है? जिसने रोज़ा रखा, शिर्क नहीं किया, सवाब की उम्मीद से रखा, अल्लाहु अकबर, ये दो शर्तों के साथ रोज़ा रखा, तो ज़िंदगी भर के जो गुनाह हैं वो सारे के सारे मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने रोज़ा रखा, जो रोज़ा रखकर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, झूठ की आदत को नहीं बदला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रोज़ा रखें, वो भूखा प्यासा रहें,
वो भूखा है प्यासा है। रोजा रखने के बाद झूठी आदतों से और जिस्म से होने वाले आजा से जो बुराइयां होती हैं, गुनाह के काम होते हैं, रोजे की हालत में उन तमाम गुनाहों के कामों से अपने आप को बचाना है। अगर हम नहीं बचाते हैं तो ये रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है। वो आदमी सिर्फ भूखा है, प्यासा है, उसे कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। रिवायतों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई एक यहूदी से हो रही थी, झगड़ा हो रहा था आपस में। यहूदी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कह रहा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, अपनी जुबान को बंद रखा, जुबान को खोला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाशा देख रहे हैं। यहूदी गालियां दे रहा है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खामोश हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया लड़ाई के दौरान, झगड़े के दौरान, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी को जवाब दे दिया। अब तक खामोश थे, जवाब दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, जब तक तुम अपनी जुबान को बंद रखे, अपने मुंह को बंद रखा, खामोश रहे, फरिश्ते तुम्हारी तरफ से उस यहूदी को जवाब दे रहे थे, जब तुमने बोलना शुरू कर दिया फरिश्ते खामोश रह गए। रोजे के दौरान अगर कोई आपसे लड़ाई करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, ऐसी नौबत आ गई लड़ने की, झगड़ने की, ऐसे वक्त में कहें कि मैं रोजेदार हूं, मैं रोजे से हूं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं झगड़ूंगा नहीं, मेरा रोजा मुझे लड़ने की, झगड़ने की मुझे इजाजत नहीं देता, ये कहकर दूरी बना लें, दूर चले जाएं, लड़ाई से दूर रखें। अगर कोई गाली देना चाहता है, कोई गाली देता है, कोई बकवास करता है, तो बकवास का जवाब बकवास के जरिए से ना दे, गाली का जवाब गाली से ना दें। आपको ये ख्याल रहे कि मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा जिस्म के सारे हिस्सों और आजा की हिफाजत का मुझे हुक्म देता है। ये ख्याल करके गुनाहों से दूरी बनाइए। मेरे अजीजों, रमजान के महीने में अल्लाह के लिए खियाम कीजिए। गौर से सुनिए इस बात को मेरे अजीजों। तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, तरावी की नमाज का एहतमाम कीजिए। रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज ये बड़ी अहम इबादत और अमल है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद के ताल्लुक से कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़याम करते, रात में नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, और आपने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। जब आपको बीमारी आ गई, बीमारी की हालत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद को तर्क नहीं किया, बैठकर तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। मेरे अजीजों, माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद का क़याम इतना लंबा होता, इतना लंबा आप तहज्जुद पढ़ते, आपके पैरों में वर्म आ जाता, आपके पैर सूज जाते। पैरों में वर्म कब आता है, पैर कब सूजते हैं मेरे अजीजों? आदमी जब लंबा खड़ा होता है, आदमी का क़याम लंबा होता है तो पैर सूज जाते हैं। माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी से कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं, आप इतना लंबा तहज्जुद क्यों पढ़ते हैं? आपके पैर सूज जाते हैं, आपके पैरों में वर्म आ जाता है, आप तो मासूम अनिल खता हैं,
आपके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ फरमा दिए हैं, फिर भी इतना लंबा लंबा क़याम आप क्यों करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है, जिस अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं। तो क्या मालूम हुआ, तरावे की नमाज लंबी होनी चाहिए, तरावे में किरात लंबी होना चाहिए, तरावे में कुरान की तिलावत लंबी होना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जरा गौर फरमाइएगा, सहाबा कहते हैं कारी इमाम साहब 200 आयतें पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर, 200 का मतलब क्या है? सूरह बकरा को आप देख लें, 280 से जायद आयतें हैं। कितने पारों पर मुश्तमिल है मेरे भाई? करीब करीब 2.5 पारे पर मुश्तमिल है। हा? तो एक तरावे में 2-2 पारे के मकदार के बराबर सहाबा इकराम की तरावे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं कारी इतनी लंबी तरावे पढ़ता कि खड़ने की सकत और ताकत हमारे अंदर नहीं होती, असा लकड़ी का सहारा लेकर हम खड़े होते थे, लेकिन हम बैठने की कोशिश नहीं करते, लंबा क़याम करते और लकड़ी के सहारे से खड़े होकर पढ़ते थे। और ये तरावे ये तहज्जुद का क़याम कब ख़त्म होता था? ऐन फजर से पहले क़याम तहज्जुद तरावे ख़त्म होती थी। अल्लाहु अकबर। आज हमारा मामला क्या है? नबी ने तो उम्मत को तरावे पढ़कर दिखा दिया कि पढ़ने का अंदाज कैसा होना है, तरावे कितनी लंबी होना है, तरावे पूरी तरतील से ठहर ठहर कर पढ़ने में होना है। लेकिन आज हमारा मामला है कि मस्जिदों को तलाश करते हैं, कौन सी मस्जिद में सबसे ज़्यादा स्पीड पढ़ा जाता है वहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। है खुसूसन शहरों के अंदर एक तरावे के दिनों में रमज़ान में शबीना नाम से एक रात कायम की जाती है, एक रात में पूरी कुरान मजीद को ख़त्म करते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचो इनकी तिलावत का इनका तिलावत का अंदाज़ आप सोच लीजिए, इनकी कैसी तिलावतें होंगी। और बहुत से मस्जिदों में देखिए यालमून तालमून के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। इनकी ये तरावे हैं, लंबा कोई खड़ना नहीं चाहता, नबी की सुन्नत पर कोई अमल नहीं करना चाहता। मेरे भाई ये नफिल नमाज है और इसका दर्जा इसलिए बतलाया गया है कि ये लंबी होती है, लंबा खड़ना है, आपका जी चाहे या ना चाहे ये सोच कर तरावे में लंबा खड़े कि अल्लाह के नबी का फरमान है, खुसूसियत के साथ एक महीना हमें नसीब होता है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, तकलीफ को बर्दाश्त करके खड़े रहेंगे, लेकिन हम तरावे को पढ़ेंगे। शुरू के 2-3 दिन मस्जिद भरी रहती है, जरा तरावे लंबी हो जाए तो लोगों की तादाद में कमी हो जाती है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है मुसल्लियों की तादाद कम, क्यों? मौलाना बहुत लंबा पढ़ाते, खड़ने नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ये हर मस्जिद का मामला है। ज़्यादा से ज़्यादा पहला अशरा 10 दिन शुरू के मस्जिदें भरी रहती हैं, उसके बाद खाली नहीं। मेरे भाई, मैं आपसे आजीजाना मुतालबा करता हूँ, तरावे कितनी भी लंबी क्यों ना हो पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इमाम के साथ क़याम करता है, तरावे की नमाज पढ़ता है,
इमाम के साथ ही नमाज को इख्तिताम करता है, ख़त्म करता है, उसे उसकी पूरी रात क़याम करने का सवाब दिया जाता है। पूरी रात गोया उसने अल्लाह की इबादत में गुजारा। मेरे अजीजों, रमज़ान में सदक़े का ख्याल करें। अल्लाह ने अगर हमें माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, जो हकदार हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उस माल को उनमें ख़र्च किया करें। ये ना समझे कि माल ख़त्म हो जाएगा, नहीं, सदका करने से माल बढ़ता है, सदका ना करने से, बचा बचा कर रखने से वो माल बर्बाद हो जाता है, घट जाता है। रमज़ान का महीना ये सदका और खैरात का महीना है। इसकी मिसाल कैसी है सदक़े की? एक बौड़ी है, बौड़ी से आप जितना पानी निकालेंगे उतना फ्रेश पानी आता जाएगा, है नहीं? अगर बौड़ी में पानी खड़ा रह गया, आपने उसमें से नहीं निकाला, उसमें क्या होती है? बदबू आ जाती है। सदका और खैरात की मिसाल भी ऐसे ही है। तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, घर में दाखिल होते हैं, घर में दाखिल होते हैं, परेशान हैं। बीवी ने देखा, कहा क्या परेशानी है? परेशान नजर आ रहे हैं। कहा कि माल बहुत जमा हो गया है। परेशानी क्यों हो रही है? माल ज्यादा हो गया है। कितने? 4 लाख दिरहम मेरे पास हैं। परेशानी हो रही है। देखिए, बीवियां भी होती हैं तो ऐसी नेक बीवियां होती हैं, शौहर से कहती हैं आप इस माल को अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। हमारे यहाँ की जो बीवियाँ औरतें हैं, अगर माल ज़्यादा हो गया है, शौहर पूछता है माल इतना आ गया है क्या करूँ, फौरी तौर पर हमारी औरतों के दिमाग और जहन में ख्याल आता है कि इतने तोले सोने बना दो, इतना सोले इतने तोले का जेवर बना दो। नहीं, नेक बीवियाँ, नेक मोमिना जो औरतें होती हैं उनके दिलों की कैफियत भी ऐसी होती है। मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, इस रमज़ान में खुसूसियत के साथ मैं औरतों से मुखातब हूँ। मैं औरतों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपना पूरा वक्त मर्दों की इफ्तारी के लिए ज़ाय ना करें। हमारी औरतें, उनका पकाना जोहर से शुरू होता है और मगरिब में ख़त्म होता है। ना नमाज की पाबंदी, ना दुआ की पाबंदी, ना तिलावत की पाबंदी, ना जिक्र अस्कार की पाबंदी, सिर्फ खाने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं। पूरा वक्त रमज़ान की ये महंगी घड़ियाँ पकाने में ज़ाये कर देती हैं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप औरतों से मैं कहता हूँ कि वक्त को ज़ाये हरगिज़ ना करें। मेरे अजीज़ों, रमज़ान ये कुरान का महीना है। मैं औरतों से भी कहना चाहूँगा, मर्दों से भी कहना चाहूँगा, रमज़ान ये कुरान का महीना है। कुरान को पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। रमज़ान का महीना जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान ने कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान ने कहा, ये रमज़ान का महीना है। कुरान को पढ़ने की पाबंदी कीजिए। एक कुरान, दो कुरान, जितना हो सके कुरान से लगाव रखिए, क्योंकि ये कुरान का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इससे भी आगे बढ़कर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को सुनिए, इससे कोई इनकार नहीं है। पढ़ने से भी ज़्यादा, पढ़ने के साथ साथ कुरान मजीद की एक एक आयत को समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों? कुरान मजीद को आप समझकर पढ़ेंगे, कोई आपको जाहिल नहीं बनाएगा, कोई जाहिल आपसे बहसो मुबाहसा नहीं करेगा, आप गुमराह नहीं होंगे। इस ज़िमन में एक वाकया मैं आपको बतला दूं। एक लेक्चरर है,
एक लेक्चरर था जिसका नाम है ग्रे मिलर, ये ईसाई था। इसका काम था मुसलमानों के खिलाफ मुनाजरे करना है। 1970 पर साथ में अहमद दीदार, जो हमारे जाकिर नायक के उस्ताद हैं, तो इसका मुनाजरा अहमद दीदार से भी हुआ 1977 में। इसने ये अहद कर लिया कि इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए इसने कुरान का मुताला किया। मकसद क्या है इसका? कुरान को नीचा दिखाना, कुरान में खराबी निकालना। हाँ, तो इसने कुरान मजीद को समझकर पढ़ना शुरू किया। ये कहता है कि मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, अपनी जिंदगी में ये लिखता है, ईसाई था। उसके बाद उसने एक किताब लिखी, द अमेजिंग कुरान। उसमें ये कहता है कुरान मजीद की सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक ईसाई कुरान मजीद को समझकर पढ़ रहा है, कहता है पहली आयत को मैंने पढ़ा। कुरान कहता है ये किताब, ये कुरान मजीद जिसके अंदर कोई शक को शुबा ही नहीं है, शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। कहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसन्निफ हैं, आथर हैं, किताबें लिखने वाले हैं, कोई ये चैलेंज नहीं करता कि इस किताब के अंदर गलती नहीं है। जितने भी किताबें लिखी जाती हैं, मुसन्निफ सबसे पहले कहता है इस किताब में किसी ना किसी किस्म की खामी हो सकती है, लेकिन ये कुरान कह रहा है जिसे तुम पढ़ने जा रहे हो, इसमें कोई शक को शुबा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। अल्लाहु अकबर। उसके दिमाग को ये बात लग गई और वो कहता है बाइबल में मरियम अलैहिस्सलाम के वाकियात आए हैं, लेकिन जितने अच्छे अंदाज से कुरान मजीद ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वाकियात को जिक्र किया है, उतना बाइबल में अच्छे तरीके से जिक्र नहीं किया गया। फिर कहता है ये ग्रे मिलर कहता है कि कुरान मजीद के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 मरतबा आया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 मरतबा आया है। आगे चलकर ये इस्लाम को कबूल करता है। बतलाने का मकसद क्या है? पढ़ने से ज्यादा कुरान मजीद को समझकर पढ़िए, उसके तर्जुमे के साथ पढ़िए, उसके तशरीह के साथ पढ़िए, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। मेरे अजीजों, रमज़ान के महीने में जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया से दूर अपने आप को बनाए रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, ज़रूरत के तहत मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ रमज़ान को, रमज़ान के महीने में जो सोशल मीडिया का जो मशगला है उसको ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से। क्यों? हमारी जो इबादतें हैं, हमारी जो नेकियां हैं, ये सोशल मीडिया से वो गारत हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, हमारा वक्त ज़ाये और बर्बाद होता है। इसलिए याद रखें रमज़ान में हमारा ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजरना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाही मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारी जगह इस धरती पर ज़मीन पर मस्जिदें हैं। अल्लाहु अकबर। वह अब गज़ुल बिलादी इलल्लाही अस्वाकुहा, सबसे बदतरीन सबसे बुरी जगह इस ज़मीन पर मार्केट हैं, बाजार हैं। अपना वक्त ज़्यादा मार्केटों में मत गुजारिए, बाजारों में मत गुजारिए, दुकानों में मत गुजारिए। आइए मस्जिद के अंदर नफिल नमाज पढ़िए, जिक्र अस्कार कीजिए। ज़्यादा वक्त रमज़ान में आपका मस्जिद में होना चाहिए। बहुत से लोगों ने क्या समझ लिया है, मौलाना ने बोला है कि ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना, आते हैं ठंडा फ़ैन डालकर सो जाते हैं। ये मकसद नहीं है, इबादत में लगाइए। हाँ, थकान होती है,
सुस्ती आती है, जाहिर बात है, आराम कीजिए, सोना ज्यादा, जिक्र और अस्कार कम करते हैं, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। और मेरे अजीजों, रमजान शुरू होने वाला है, रमजान हमारे दरमियान आने वाला है, अल्लाह की तरफ से मेहमान बनकर आ रहा है। तो मैं मालदारों से, पैसे वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ, रमज़ान शुरू होने से पहले ऐसे घरों को तलाश करें जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जिन्हें सहरी खाने की ताकत नहीं है, इफ्तारी करने की ताकत नहीं है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले राशन का एक किट उन्हें दिया जाए, ताकि वो भी हमारे साथ इस बड़े महीने की इबादतों में पुरसकून इबादत कर सकें। मेरे अजीज, और बहुत सी बातें इंशाल्लाह आने वाला महीना, चूंकि ये रमज़ान का महीना है, उसके अंदर सारी बातें रमज़ान से ताल्लुक से ही रहेंगी। आज के दर्स, आज के जुमा का खुतबे का खुलासा ये कलाम ये है कि रमज़ान का महीना आने वाला है, हम उसका इस्तकबाल करें। कैसे इस्तकबाल करें, वो सारी बातें आपने खुतबे के अंदर समाअत फरमाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रमज़ान का महीना शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को रमज़ान का महीना नसीब फरमाएं। रमज़ान का महीना पाकर जैसे उस महीने की इबादतें करनी चाहिए, वैसे कमा हक़ इबादतें करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाएं। साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबा लंबा क़ियाम, लंबे लंबे तरावी पढ़ने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाएं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन माशरे के, सोसाइटी के जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, फ़ुक़रा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका ख्याल करते हुए रमज़ान का महीना गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रमज़ान का महीना तमाम मुसलमानों के लिए अमन शांति का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाए। इस महीने के अंदर जहां पर भी अभी तक जुल्म हो रहा था, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि रमजान का महीना अमन सुकून का उनके हक में बनाए, जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत से नवाजे, या एक अल्लाह उन्हें निस्त नाबूद फरमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामिला जिलाता फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अहले तौहीद जो कब्र में मदफून हैं, अल्लाह उन पर रहम करम का मुआमला फरमाए, उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीमुर रब्बुन हलीम। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وهم وتم وأكبر